हाई गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम सुमन। मंडे से नवरात्रि है, आप लोग अपने मंदिर सजाएंगे, मैं भी अपना मंदिर सजाऊंगी, और आप लोग बहुत सारी प्रेयर करोगे, मैं भी बहुत सारी प्रेयर करूंगी। मैं आप लोगों के लिए करूंगी, आप लोग प्लीज़ मेरे और मेरी मम्मा के लिए करना। बहुत टाइम से मेरी तबीयत जो है अप डाउन, ऑन ऑफ चल रही है। सो अब हम बात करते हैं वीडियो से रिलेटेड। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ नवरात्रा का वेट लॉस डाइट। एंड जब जब हम प्रे करेंगे, हम अच्छा खाना खाएंगे, हम प्रे करेंगे कि हमें हेल्थ वेल्थ स्पेशली मेंटली स्टेबिलिटी मिले, हम ना पास्ट के बारे में सोचें ना फ्यूचर के बारे में सोचें, हम प्रेजेंट आज के बारे में सोच के चलें। क्योंकि 90% जो मेंटल इलनेस आती है वो आती है या तो पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में सोचकर, या आगे फ्यूचर में क्या होना उसके बारे में सोचकर, या कल परसों के बारे में सोचकर एंग्जाइटी आता है और उसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। सो हम लोगों को सिर्फ भगवान जी इतनी ताकत दें कि हमारा जो ब्रेन है हमारे कंट्रोल में रहे और हम सिर्फ आज के बारे में सोचें कि आज क्या होना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम पूरे नवरात्रा पॉजिटिव रहेंगे, ना हम किसी के बारे में गलत बोलेंगे, ना हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे, ना हम किसी के बारे में गलत थॉट्स लाएंगे। हम बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, जिसकी हेल्प से हमारा जो मेंटल है वो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में आएगा। हम पॉजिटिव रहेंगे और जब हम पॉजिटिव ऑरा रखते हैं, हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो बिल्कुल फील गुड फैक्टर में कन्वर्ट होते हैं, उसकी हेल्प से हमारा वेट लॉस भी होता है और हमको अच्छी नींद भी आती है। सो है ना सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड। सो इस तरीके से आगे से हम अपनी लाइफ को जो है लेकर चलेंगे। अब हम बात करते हैं नवरात्रि की वेट लॉस डाइट की। सो लास्ट वीडियो में मैंने नवरात्रि से रिलेटेड कुछ रेसिपीज पोस्ट की थी। आज की वीडियो में मैं एक स्पेसिफिक डाइट चार्ट लेके आई हूँ, बट इसके लिए 3 से 4 चीज़ें। ए पार्ट, आप अपना वेट और अपने इंच चेक करके रखिएगा पूरा का पूरा। बी पार्ट, आपने डेली का अपना वेट चेक करना है सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद बिना कपड़ों के डिजिटल मशीन पे। नेक्स्ट, आपने पानी का इनटेक 3.5 से 4 लीटर रखना है, जिसमें से 1 लीटर सिप सिप करके गर्म पानी पियेंगे हम, बाकी जो पानी होगा वो सारा हम नॉर्मल पानी पियेंगे। नेक्स्ट, जो पानी का इनटेक है वो सिप सिप करके जाना चाहिए, एक झटके में पानी बिल्कुल नहीं पीना है। नेक्स्ट, आपने अपने यूरिन को बिल्कुल होल्ड नहीं करना है। इफ़ यू फील लाइक कि आपको पी करना है, आप जाएंगे अपना यूरिन बिल्कुल अच्छे से पास करके आएंगे, यूरिन को होल्ड करेंगे लंबे समय तक, तब भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नेक्स्ट, जब भी हम खाना खाएंगे हम ये सोच के खाएंगे ये हमारी बॉडी के अंदर जाके बहुत अच्छी चीज़ ही करने वाला है। खाने की टेबल पे या खाने की प्लेट को देख के कोई भी और थॉट जो है कल क्या होना है परसों क्या होना है ये सब चीज़ें हम नहीं लाएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, स्लीप, 8 घंटे की नींद लेना फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। बॉडी के हर इंच जगह से इंच लॉस होगा अगर आपका 8 घंटे का नींद है। सो अब हम बात करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक के बारे में। सो मॉर्निंग ड्रिंक कैसे बनना है, चलते किचन में। ये रहा मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक के लिए यहाँ पे मैंने सोक करा है केसर और 5 किशमिश। ये पूरी रात सोक किया हुआ वाटर है, मॉर्निंग में हम इसे गर्म करेंगे। ये जो किशमिश है ये हम खा जाएंगे और ये जो पानी है हम पियेंगे। मॉर्निंग ड्रिंक का जो टाइमिंग होना चाहिए आपका 7:30 से 8 o'clock के बीच में होना चाहिए। अगर मैक्स टू मैक्स आप जितना जल्दी कर सको उतना अच्छा है कि 7:30 बजे तक आपका जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो खत्म हो जाए, विच मीन्स आपको उठना पड़ेगा 7:45 बजे तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट हमारा हो जाना चाहिए 8:30 से 9:30 बजे के बीच में, मतलब कि 9:30 बजे के बाद आपका ब्रेकफास्ट जो है मैक्स टाइमिंग है, उसके बाद मत करना। ब्रेकफास्ट में हम लेंगे शेक्स। सो मैंने बहुत सारे शेक्स डाल रखे हैं अपने चैनल पे, उनकी वीडियोस हैं। सो शेक्स हम ले सकते हैं, एप्पल फ्रूट शेक ये रहा मेरे चैनल पे, एप्पल्स डेट शेक ये रहा मेरे चैनल पे। नेक्स्ट हम एप्पल की खीर ले सकते हैं मॉर्निंग में, या फिर उसके अलावा हम गुलकंद एंड ड्राई फ्रूट शेक्स भी ले सकते हैं। सो ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एप्पल शेक, एप्पल डेट शेक, गुलकंद एंड ड्राई फ्रूट शेक एंड एप्पल का खीर। सो ये चारों चीज़ हम अपनी डाइट में ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर। बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। मिड ब्रेकफास्ट में कोकोनट एंड जागरी का लड्डू की रेसिपी रिसेंटली मेरे चैनल पे मैंने डाली थी, आप ये ले सकते हैं। उसके अलावा कोई भी एक फ्रूट जो भी आपका मन है, बनाना आप ले सकते हो बेस्ट है, चीकू आप ले सकते हो बेस्ट है, इसके अलावा पियर आ चुके हैं मार्केट में वो भी ले सकते हो, गुआवा बहुत अच्छे आ रहे, पिंक वाले मिले तो वो ले सकते हैं बिना सीड्स के। आप कोई भी एक फ्रूट सीजनल आप अपना पिक कर सकते हैं, साथ में 1 गिलास गर्म पानी सिप सिप करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं लंच की। नाउ लंच का जो टाइमिंग है
एक से डेढ़ बजे के बीच में, उससे बिल्कुल ज्यादा एक्सीड मत करना। लंच को हम हैवी रखेंगे, लंच के अंदर आप जो भी ऑप्शन पिक करें उसके साथ बाउल ऑफ कर्ड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप पीसीओडी पेशेंट भी हो बट नवरात्रि के फास्ट में आप बाउल ऑफ कर्ड एब्सोल्युटली ऐड कीजिएगा अपनी डाइट के अंदर। ए पार्ट, इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। बी पार्ट, आपको बिल्कुल भी वीकनेस नहीं आएगी। थर्ड, आपका जो टमी है वो शांत रहेगा, ठंडा रहेगा, बॉडी को कूल बिल्कुल शांत करता है कर्ड। फोर्थ, बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, तो आपका जो स्टमक है उसको हैप्पी रखने के लिए, फास्टिंग का जो खाना होता है वो इजी डाइजेस्ट नहीं होता और बहुत ही बॉडी झटके में आती है। कर्ड जो है वो आपके टमी को स्मूथ रखने में काम आएगा। अब हम बात करते हैं लंच के ऑप्शंस की। नंबर वन इज साबुदाना खिचड़ी, नंबर टू इज कुट्टू और आलू की रोटी, नंबर थ्री इज आलू एंड साबुदाना चीला, फोर्थ इज सांवर का चीला। ये रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली है, इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन पिक कर सकते हैं। क्वांटिटी मैक्सिमम दो चीले आप ले लीजिएगा विद अ बाउल ऑफ कर्ड, दैट्स इट। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इवनिंग के टाइम की। शाम को हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं मिल्क टी एंड कॉफ़ी की। आप आधा कप जितना मिल्क टी एंड कॉफ़ी ले सकते हैं। अगर आपको वो ऑप्शन नहीं चाहिए, उसके साथ आप छाछ बना के ले सकते हैं, दो चम्मच दही एक गिलास पानी में ब्लेंड करके। बट इवनिंग के स्नैकिंग के टाइम पे छाछ या फिर मिल्क टी एंड कॉफ़ी के साथ आपको थोड़ा सा फिलिंग चीज़ चाहिए, अदरवाइज डिनर तक आते आते आप बहुत हैवी खाना खा जाओगे। सो इवनिंग स्नैकिंग के लिए मेरे पास है मखाना चाट, ये रही मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी। सांवर और आलू की टिक्की, दो टिक्की इनफ आपके लिए काफ़ी रहेगा। थर्ड ऑप्शन इज पीनट एंड आलू का चाट, ये रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे डाली थी। इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन पिक कर सकते हो, बट अगर आपको ये सब खाने का मन नहीं है, कुछ भी लेने का मन नहीं है, एक नारियल पानी आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं अपने लिए, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं डिनर की। डिनर को हम थोड़ा सा मीठा रखेंगे एंड डिनर में आप 7-7:30 बजे से पहले अपना डिनर ख़त्म कर लीजिएगा। डिनर के ऑप्शंस, नंबर वन हम खीर पिक करेंगे डिनर के लिए, सांवर का खीर, साबुदाना खीर, या फिर आप चटपटा पनीर पिक कर सकते हैं या फिर एप्पल खीर ले सकते हैं। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन पिक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ भी खाने का मन नहीं है, यू फील लाइक कि नहीं यार अभी एकदम डाइट चेंज हुई है मेरा खाने का मन नहीं है, बाउल ऑफ पपाया, दैट्स ऑल। अब इसके बाद हमें चाहिए नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए जीरा टी। नाउ जीरा टी की रेसिपी कैसे बननी है, चलते हैं किचन। यहाँ पे अब हम बना रहे हैं जीरा टी। हमने एक कप पानी लिया है, पिंच ऑफ जीरा। अब इसे हम बॉईल करेंगे जब तक ये हाफ कप हो जाएगा, छान के हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ये रही हमारी जीरा टी। वेलकम बैक जी। सो ये था पूरा नवरात्रि का डाइट चार्ट, इसको हम फॉलो करेंगे माइंड की शांति के साथ और ट्रस्ट मी आपका बहुत अच्छा वेट लॉस होगा एक्सट्रीम लेवल का। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका 2.5 से 3 किलो इजिली जाएगा अगर आप बिल्कुल कोई भी स्ट्रेस के बिना आप ये डाइट करते हैं। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड मेरी रिक्वेस्ट मेरे मम्मा के लिए और मेरे लिए बहुत सारी प्रेयर्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, जो कि मैं लेके आ रही हूँ हलीम सीड्स के लड्डू। हलीम सीड्स बहुत बढ़िया चीज़ है और अब विंटर्स भी आ रही है, उसके अंदर तो गज़ब की चीज़ है। उसकी डीप एक्सप्लेन करके मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ हलीम सीड्स क्या होते हैं, उसके यूजेस और उससे बना हुआ लड्डू और उसके बेनिफिट्स। सो या दैट्स इट, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि।